गया के परैया में रहने वाले आर्मी के जवान सुनील कुमार के आकस्मिक निधन से गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों ने बताया कि सुनील कुमार कश्मीर के अवंतीपुर यूनिट 4 में नायक सूबेदार के पद पर तैनात थे, जो छुट्टी में गया परैया अपने घर आए हुए थे। उन्होंने बताया कि अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आप सुनील कुमार के कौन हैं? मैं उनका बेटा हूँ। क्या घटना घटी, कैसी बात? मेरे पापा घर पे छुट्टी आए हुए थे, उसके बाद इनका थोड़ा तबीयत बिगड़ गया, हम लोग आर्मी हॉस्पिटल लेकर आए, उसके बाद ट्रीट कर गए। कहाँ तैनात थे? और वो जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में तैनात थे, सरदार नायक के पद पर। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम लोग यहाँ मानपुर में रहते हैं, डेरा लेकर लखीबाग में। अभी अभी कहाँ आए? अभी हम लोग मगध मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना गया कॉलेज गया के स्वयं सेवकों ने 24 जनवरी 2020 राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने अपने अपने विचारों से बालिकाओं के लिए जागरूकता फैलाई। सभी ने रंगोली के माध्यम से अपनी अपनी कलाओं को दर्शाकर स्टॉप एसिड अटैक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा, भाषा की स्वतंत्रता, लड़कियों के प्रति समाज में हो रहे दुर्व्यवहार इत्यादि पर कार्यक्रम आयोजित कर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया है और इसमें हमने एक रंगोली बनाया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसके थ्रू हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर बेटी को पढ़ने का हक मिलना चाहिए। बिहार के गया जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा बेरोजगारी एवं रोजगार हेतु मानव श्रृंखला लगाई गई। मौके पर रालोसपा राष्ट्रीय युवा महासचिव रणधीर केसरी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे बिहार के साथ साथ गया में भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई, जिसमें बिहार में शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर मानव कतार लगाया गया। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो कर्पूरी ठाकुर जी को मैं सशस्त नमन करता हूं, और जो आज मानव कतार लगाया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर, गिरती हुई शिक्षा के व्यवस्था पर सवाल है और रोजगार के लिए बेरोजगारों को जो सृजन होना चाहिए रोजगार, वो रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है हमारे राज्य में। इसके कारण बेरोजगारी के खिलाफ और शिक्षा नीति के खिलाफ ये आज मानव कतार लगाया जा रहा है। गया के विभिन्न प्रखंडों से 60 मछली पालकों को उन्नत तरीके से मछली पालन की ट्रेनिंग देने के लिए मत्स्य विभाग ने नालंदा भेजा। मछली पालकों की टीम को जिला मत्स्य अधिकारी गणेश राम ने हरी झंडी दिखाकर नालंदा के लिए किया रवाना। वन दर्शन कार्यक्रम है बिहार सरकार की एक योजना के तहत। इसके तहत ये लोग बायोफ्लॉक तकनीक से जो मछली पालन की नई विधि आई है उसके बारे में जानकारी हासिल करके आएंगे और गया जिला में भी इसकी शुरुआत करेंगे अच्छे से। कितना की संख्या में जा रहे हैं? 60 की संख्या में जा रहे हैं। कितना दिन का ट्रेनिंग है? 2 दिन का। कहाँ कहाँ ट्रेनिंग किया जाएगा? एक तो वहाँ पावापुरी में जो बायोफ्लॉक है निशांत जी का, वहाँ देखेंगे, और एक मोहनपुर मत्स्य बीज हैचरी है वहाँ करेंगे। गया के गोदावरी स्थित कोरोना अस्पताल के स्थानांतरण किए जाने के विरोध में वार्ड नंबर 41 के पूर्व पार्षद शशि किशोर शिशु ने धरना का किया आयोजन। शशि किशोर शिशु ने अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित धरने के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल को दूसरी जगह स्थापित होने से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के अलावा आम लोगों को होगी काफी परेशानी। बहुत ज्यादा दिक्कत होगा सर, यहाँ रात बिरात सब कोई, मतलब बूढ़ा बुजुर्ग जवान बच्चा सब कोई भर्ती हो जाता है, थोड़ा सा भी बीमार होता है तो उन लोग के सलाइन चढ़ता है, बहुत आराम होता है। और अगर दूसरा जगह चला गया तो 1-2 साल तो खाली जानकारी होने में लग जाएगा, और 1-2 साल में कितना मन जान जाएगा, सो कितना मन हर्ज है। और यहाँ पर के बहुत लोग अभी नहीं जान रहे हैं कि हॉस्पिटल जा रही है, क्योंकि बहुत सारे अनपढ़ लोग भी हैं और नहीं जानते हैं, शिक्षित भी हैं नहीं जानते हैं, उन लोग के कितना दिक्कत होगा। हम लोग जान रहे हैं, इसलिए हम लोग ये धरना दिए हैं कि ये हॉस्पिटल नहीं जाए। एनआरसी और सीए के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर पहुंचे गया। गया में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तारिक अनवर का किया भव स्वागत।
मौके पर तारिक अनवर ने एनआरसी एवं एनपीआर के खिलाफ गया के शांति बाग चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में शामिल होकर उन्होंने कहा कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन रहेगा जारी। जो सीएए को लेकर एनआरसी और एनपीआर को लेकर जो देश के अंदर माहौल बना है, आप सभी लोग उससे वाकिफ हैं कि पूरे देश के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर खास तौर पर एक लोगों में काफ़ी बेचैनी है, परेशानी है। लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने जो बिल लाया है जल्दबाजी में, उसमें लोगों को विश्वास में नहीं लिया। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के मैगरा बाजार के फील्ड के निकट बीती रात एक मालगाड़ी टाटा एस JH03C 7098 को आग के हवाले कर दिया गया। जब सुबह हुई तो वाहन मालिक पंकज प्रसाद उर्फ कारू प्रसाद ग्राम झिकटिया निवासी को पता चला तो वह अपनी वाहन के पास आए और देखा कि वाहन पूर्ण रूप से जल चुका है। इसकी सूचना मैगरा थाने को दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती गुरुवार को शहर के बिसार तालाब स्थित स्पेक्ट्रम कोचिंग संस्थान के सभागार में आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व जदयू नेता कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा ने किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने नेताजी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। एनपीआर और एनआरसी के विरोध में इंसाफ मंच एवं भाकपा माले के बैनर तले गया के मानपुर में एक जनसभा का किया गया आयोजन। मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव निरंजन कुमार निरंजन ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र विरोधी कार्य करने का लगाया आरोप। निरंजन कुमार ने कहा कि एनआरसी के द्वारा देश को विभाजित करने की केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है साजिश। बिहार के मगध क्षेत्र के कमिश्नर ने अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज विधानसभा का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर डुमरिया प्रखंड के ब्लॉक में वृक्षारोपण भी किया गया, साथ में कई योजनाओं की भी जांच की। वहीं कमिश्नर के द्वारा मैगरा कालिदा आईटीआई का भी निरीक्षण किया गया। गया के खिदरसराय प्रखंड कार्यालय पर भ्रष्टाचार मिटाओ प्रखंड बचाओ के बैनर तले लोगों ने अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया। इस मौके पर धरने में बैठे सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम सिंह ने कहा कि प्रखंड कार्यालय में व्याप्त धांधली के खिलाफ हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन धरने के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी के मिलीभगत से उचौली पंचायत में विनय कुमार रोजगार सेवक में आया है, तब से वह सरकारी पैसों का बंदरबांट कर रहा है। उन्होंने बताया कि कच्ची सड़क निर्माण में भी विनय कुमार के द्वारा जमकर धांधली की गई है। पहले कृष्णा सिंह पंचायत सेवक की नियुक्ति हुई थी, उसके 3 माह के अंदर में मुखिया एवं उसके पुत्र विकास कुमार गलत काम करना चाहते थे, जिसके बाद गलत काम नहीं करने के कारण जिला पदाधिकारी के पास गलत आरोप लगाते हुए आवेदन देकर उन्हें हटा दिया गया। मानपुर संघर्ष मोर्चा के संयोजक सह समाज सेवी राजीव कुमार कन्हैया खिजरसराय प्रखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम सिंह से मिलने पहुंचे। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किश्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किस्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किस्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड धामीटोला गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 06312221190।